आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने को लेकर आज राजधानी समेत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में राज्य और केंद्र के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। बात करें तो ये राजधानी लखनऊ का जिलाधिकारी कार्यालय के ठीक सामने का पार्क है, जहां प्रदेश भर के जो तमाम कर्मचारी हैं, साथ ही साथ केंद्र के कर्मचारी हैं, वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने को लेकर आज एक प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दिवसीय प्रदर्शन है जिसमें आप देख सकते हैं कि तमाम वो जिम्मेदार पदाधिकारी मंच पर बैठकर और उन तमाम कर्मचारियों को संबोधित कर रहे हैं, साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको लागू करने के लिए एक अलग तरह से लोगों के अंदर जोश और उत्साह भर रहे हैं। आपको बताएं कि ये प्रदर्शन राजधानी समेत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जिला मुख्यालयों पर, जिला अधिकारी के आवास पर चल रहा है। अब हम यहाँ एक जिम्मेदार से बात करेंगे जो इनकी एक समिति है, इस समिति के तहत ये तमाम लोगों को जोड़कर और ओपीएस की मांग को बहाल करने की मांग को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। आप अपना नाम बताएं और हमें ये बताएं कि आज ओपीएस की मांग को लेकर बैठे हैं, क्या कहेंगे? हरि किशोर तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष राजकृत परिषद। आज एक ही मांग पे हम लोग बैठे हुए हैं, वो है पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के लिए। पिछले 17 वर्षों से हम देख रहे हैं, जब से व्यवस्था लागू हुई है, कोई इसका धनी दोरी नहीं है। इसमें शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं हमारा, उसमें से जो निकलता है वो ऐसा भी नहीं है कि 2-3 हज़ार भी किसी को मिल जाए। उसमें हम लोगों को छलावा किया गया सरकार ने हमारे पास, और हमारे पैसे को अपने दोस्तों यारों को दे दिया गया दिल्ली में जाकर, और उनके यहाँ घाटा चल रहा बराबर, फिर भी उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है। हम उनके साथ कतई नहीं जाएंगे। अब हम लोगों ने यह तय किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉई, चाहे रेलवे हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे BSNL हो, पोस्टल डिपार्टमेंट हो, या स्टेट के सभी लोग हों, शिक्षक हों, सभी लोग मिलकर हम लोग एक साल लड़ेंगे इनसे। 2024 का चुनाव है और उसमें हम लोग निश्चित रूप से वोट। 2024 में क्या ये मुद्दा रहेगा ओपीएस? 100%। आपने देखा उत्तर प्रदेश में हमने मुद्दा बनाया था, ये उसका लाभ भी एक पार्टी को हुआ, दूसरे को नहीं हुआ। तो हम लोग निश्चित रूप से उसको बनाएंगे। जो हमारी बात करेगा पेंशन की, हम उसी के साथ जाएंगे, उसी पार्टी को हम लोग समर्थन देंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए 2022 में, ओल्ड पेंशन स्कीम समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में रखी, उस वक्त आप लोग की क्या आशा अपेक्षाएं थी और तत्काल की सरकार से क्या? नहीं, आपने देखा हम लोगों ने उनको समर्थन किया था, खुलेआम समर्थन किया था, और उसके बाद 311 सीटों पर बैलेट पेपर में जो कर्मचारियों का वोट होता है उसमें समाजवादी पार्टी जीती थी। इसलिए हम लोगों ने उनको आईना दिखाने का काम किया है कि हमारी बात मानी जानी चाहिए, अगर जायज़ बात है तो मानी जानी चाहिए, हरदर्दता छोड़नी चाहिए सरकार को। निश्चित रूप से अगर नहीं मानेंगे तो 2024 के चुनाव में इसका खामियाजा किसी एक पार्टी को होगा। 24 में किस तरफ जा रहे हैं इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो साल भर के भीतर लोकसभा के चुनाव हैं, उसके ठीक पहले आप लोग अपनी मांग पे बैठ गए, 2022 में भी बैठे थे, अब क्या आप आशा अपेक्षा है? और बात की जाए तो कांग्रेस शासित प्रदेशों में पुरानी पेंशन को बहाल किया गया है, इसको किस नज़र से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल उस पॉलिटिकल मुद्दा बना और कांग्रेस राज्यों ने, मैं कहता हूँ कांग्रेस राज्य ही नहीं, जो नॉन BJP गवर्नमेंट्स हैं उन सब लोगों ने उसको लागू किया है, और हम समझते हैं कि इनको भी सद्बुद्धि भगवान दे जिससे कि ये हमारी बात जायज मांग को सुने। और अभी महाराष्ट्र में भी इसका समझौता हुआ है, हम समझते हैं कि ये शुरुआत होगी कि महाराष्ट्र में BJP सरकार है, उसके बाद इसका समझौता हुआ है। तो निश्चित रूप से इनके सद्बुद्धि आ रही है और निश्चित रूप से हमारी तरफ देखेंगे और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे, इससे लोगों का बुढ़ापा ठीक से कट सके। अब कुछ और लोगों से बात करेंगे, यहाँ तमाम पदाधिकारी, मैं अपने सहयोगी विजय से कहूँगा कि दिखाएं कि तमाम पदाधिकारी आज मंच पर बैठकर अपने तमाम जो सहयोगी हैं उनसे अपनी बातों को रख रहे हैं। सर, आप अपना नाम बताओ और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम LN पाठक है, मैं AIRF ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन का जोनल सचिव हूँ, और जो ये पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली का संयुक्त मंच है, केंद्रीय कर्मचारियों का, राज्य कर्मचारियों का, टीचर्स का, प्राइमरी से लगा के यूनिवर्सिटी टीचर्स तक का, नगर निगम का, जो भी लोग नई पेंशन योजना NPS से प्रभावित हैं, इन सभी का एक राष्ट्रीय संयुक्त मंच है दिल्ली में, जिसकी बैठक में ये पिछले वर्ष हुई थी, और एक निर्णय लिया गया कि पूरे देश में सभी राज्य के कर्मचारी, केंद्र के कर्मचारी, टीचर्स और ये नगर निगम निकाय, ये सारे लोग एक संयुक्त मंच पे एक आंदोलन करेंगे। एक सूत्री मांग है पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली। हम लोगों ने ये आंदोलन तो 2004 से चल रहा है, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां आ गई कि 4 से लेके 2023 में 18 साल गुजर गए, जो कर्मचारी बीच में नौकरी में आए
वो चाहे अनुकंपा आधार पर आए या जो सैनिक भूतपूर्व भर्ती हुए वो आए, वो जब रिटायर हुए नई पेंशन स्कीम में, तो जिनकी मूल वेतन, जिनका 87,000 रुपये मूल वेतन था, उनको पेंशन 2,650 रुपये बनी। जबकि भारत सरकार की पुरानी पेंशन योजना में मूल वेतन का आधा 50% पेंशन है, और उस पूरे के ऊपर जब भी महंगाई भत्ता बढ़ता है तो महंगाई राहत भी पेंशन में है, पारिवारिक पेंशन है, जो आश्रित हैं चाहे वो विधवा माँ है, विधवा बहन है, उसको पेंशन है। की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर हम पुरानी पेंशन को लागू करते हैं तो कोष पे असर पड़ेगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो कोरोना के बाद कोष की स्थिति काफी अच्छी है। देखिए, हम लोग सरकार के कर्मचारी हैं, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सरकारों के लिए नियम जो बना रहे हैं, वो चाहे सांसद हों विधायक हों, वो पुरानी पेंशन स्कीम कैसे ले रहे हैं? जो जो सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम कायदा कानून बना रहे हैं और ये कह रहे हैं एक बड़ा बोझ है, वो सांसद और विधायक स्वयं पुरानी पेंशन स्कीम क्यों ले रहे हैं? अगर उनका ये तर्क अपनी जगह सही है, के मुताबिक है कि जो विधायक सांसद है वो पुरानी पेंशन स्कीम को क्यों फायदा उठा रहे हैं? क्यों फायदा उठा रहे हैं? और एक एक सांसद चार चार पेंशन का फायदा उठा रहा है। हम एक उदाहरण दें आपको कि भारत सरकार की जो नीति है, जितने भी सेना में लोग हैं उनको पुरानी पेंशन है, लेकिन जो बॉर्डर पर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए बीएसएफ के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं, जो रोज मरते हैं सीमा की सुरक्षा के लिए, सेना तो जब युद्ध घोषित होगा तब उनकी कैजुअल्टी होगी, लेकिन ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है, रेल के कर्मचारी हैं, अब रेल के इनकी तो रोज कैजुअल्टी होती है। भारत सरकार के आंकड़े में है कि हर साल रेल का लगभग 500 कर्मचारी ड्यूटी करते हुए शहीद होता है। ये एक ऐसा विभाग है ट्रांसपोर्टेशन का, भारतीय रेल, लगातार रेल मंत्रियों ने या क्या बदलाव किया जाए, बदलाव ये किया जाए कि सरकार नई पेंशन योजना को खत्म करे और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करे। सरकार हमारा नेशनल काउंसिल JCM है, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी बैठता है सरकार की ओर से, भारत सरकार का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट है वो। ऐसे ही जो नेशनल काउंसिल है उसमें पूरे देश के कर्मचारियों की ओर से स्टाफ साइट सेक्रेटरी हैं शिवगोपाल मिश्रा जी, जो AIRF के महामंत्री भी हैं। सरकार बुलाए, वो अपने आंकड़े लाए, हम भी अपने आंकड़े देंगे, हम सरकार के दुश्मन नहीं हैं, हम लोग राजनीतिक पार्टी से संबद्ध भी नहीं हैं, हमारा पूरा स्वतंत्र आंदोलन है, सरकार किसी की भी हो, हमें कोई मोदी की सरकार गिराना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली, जो बुढ़ापे की सामाजिक सुरक्षा है, और इसको हम लेकर रहेंगे। आगे की हमारी योजनाएं हैं, अभी तो ये एक सांकेतिक है, हम सरकार को आगाह कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा पूरे देश में मशाल जुलूस भी निकलेगा मई में, और अगर सरकार अगस्त तक नहीं मानेगी तो फिर हम संसद घेरेंगे, संसद सत्र के दौरान संसद घेरेंगे, सुबह तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और अलग अलग माध्यम से जी। आप अपना नाम बताएं सर, हमें भी ये बताएं कि कहा जा रहा है कि पुरानी पेंशन बहाली से कहीं ना कहीं जो कोष है उस पर असर पड़ेगा, इस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं RK पांडे डिविजनल सेक्रेटरी हूँ नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का, और ये हम बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम्स की बहाली से सरकार के ऊपर कोई भी अतिरिक्त भार नहीं पड़ने वाला है। इससे पहले भी देश की आज़ादी के 75 सालों में सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा के एवज में बुढ़ापे की लाठी पेंशन पाता रहा है, और इसको DS नकारा के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकारी कर्मचारियों का अधिकार घोषित किया है,
इसलिए ये कहना कि किसी भी तरीके से सरकार के ऊपर कोई अर्धभार बढ़ाने वाला है ये बिल्कुल गलत है। बात की जाए तो आज एक दिवसीय आपका धरना प्रदर्शन है, इसके आगे क्या आपका अगला कदम होगा, कैसे जो अपनी मांग को है वो उच्च जो आसीन पदों पे हैं उनसे कैसे पहुंचाएंगे? ऐसा है कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम आज यहाँ पर जिलाधिकारी के आवास के सामने एकत्रित हुए हैं सांकेतिक धरने के रूप में। अगले एक महीने में हम एक एक गांव, एक एक कस्बे तक पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए जो है जाएंगे और उसके बाद राज्य की राजधानी में एक बृहद यहाँ पर विशाल प्रदर्शन का आयोजन होगा मई के महीने में। तत्पश्चात हम लोग जून जुलाई में भी इसी तरीके से इस जन आंदोलन को देश के प्रदेश के एक एक कोने कोने तक पहुंचाने का काम करेंगे और तत्पश्चात अगर सरकार नहीं सुनने को तैयार होती है तो मानसून के सत्र में संसद के ऊपर भी लाखों की संख्या में लोग प्रदर्शन करने का काम करेंगे और फिर भी अगर सरकार के कानों में जू नहीं रेंगती है तो हमारी जो राष्ट्रीय समिति है वह अनिश्चितकालीन हड़ताल को निर्णय लेने के लिए बाध्य होगी। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, ओपीएस एक मुद्दा रहा, 2024 में भी क्या ये आगे जाएगा और चुनावी जो राजनीतिक दल हैं वो क्या इसको मुद्दा बनाएंगे? हम ऐसी ही अपील करते हैं, ऐसी आकांक्षा सभी राजनीतिक दलों से करते हैं कि सरकारी कर्मचारी वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं किसी भी गवर्नेंस के लिए और उनके लिए निश्चित तौर पर पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली एक राजनीतिक मुद्दा अब उनके अस्तित्व की लड़ाई के लिए बन चुका है। आप अपना नाम बताएं, हमें ये बताएं कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में ओपीएस को बहाल किया गया है, इस पे आप क्या सोचते हैं? मैं राम मूरत यादव, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से लेखपाल संघ। मैं स्वागत करता हूं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जिन्होंने अपने राज्यों में ओपीएस को बहाल किया है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों से अनुरोध करूंगा कि वो जितनी जल्दी इस ओपीएस को अपने प्रदेशों में और केंद्र के देश में लागू कर देंगी उतना ही उनकी भलाई है, अन्यथा नित नए दिन एक एक दिन में उनके खिलाफ माहौल बनता जाएगा और आने वाले समय में वो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। अगर वो नहीं चेते, माहौल नहीं देखे देश का, जन जन के अंदर ये बात आ चुकी है कि ओपीएस बहाल होनी चाहिए, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे उसके परिवार के लोग हो, चाहे आम आदमी हो, वो अन्याय सबको नजर आने लग गया है कि एक संवर्ग, एक विधायक, एक सांसद तीन तीन पेंशन लेता है, चार चार पेंशन लेता है और एक इंसान 60 साल तक अपने देश की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है और वो बुढ़ापे में बाजार के हवाले छोड़ दिया जाता है, तो ये अब आम जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस ने स्वागत योग्य कदम उठाया, कांग्रेस के अलावा भी जिन प्रदेशों में ये व्यवस्था लागू हुई है ओपीएस की उनका मैं साधुवाद करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा और इस सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि उनकी बात ये पुनः ये ओपीएस को लागू करे अपने प्रदेश। बात की जाए तो कहा जा रहा है कि आरबीआई की तरफ से कि इस पे कोष पर असर आएगा, जो भंडारण है, जो कोष है आरबीआई का, उस पे असर आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ जो लोग अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि भंडारण पे या कोष पे असर आएगा, उनको ये बात याद नहीं है कि जब हमारे देश में अनाज आयात किया जाता था, अपने अनाज पैदा नहीं होता था, लोग भरपेट खाना नहीं खा पाते थे, उस समय भी भारत सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए और पेंशन देने के लिए प्रतिबद्ध थी और उस समय दिया था। जनसंख्या कुछ और थी, आज कुछ और। जनसंख्या नहीं, आज भारत कितना आगे जा चुका है, भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की आप बनाना चाह रहे हैं और कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। ये अगर ऐसी बात है तो क्यों नहीं छोड़ देते सारे सांसद, सारे विधायक अपनी पेंशन, सारे जनप्रतिनिधि पेंशन छोड़ दे, तब हम माने कि वो देश के लिए भला चाहते हैं। आप देश के लिए, अपने लिए देश का भला नहीं चाहेंगे। कर्मचारी को पीटता हुआ 60 साल की सेवा करने के बाद उसे रोड पे छोड़ देना चाहते हैं और अपने आप को पुरानी पेंशन और सारी पेंशन, एक नहीं तीन तीन पेंशन आप लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो ये अर्थव्यवस्था पे असर नहीं है, ये इनका बहाना है। अभी आपके एक साथी कह रहे थे ओपीएस बुढ़ापे की लाठी है, बिल्कुल है। अगर हम
60 साल तक समाज को काम देते हैं, अपने परिवार का सहारा नहीं बन पाते हैं, समाज को साम देते हैं, देश की सेवा करते हैं, तो बुढ़ापे में हम उम्मीद करते हैं कि जिसकी सेवा की है हमें उससे लाठी मिले, उससे सहारा मिले, और ये लाठी हमारी पेंशन है। अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो हमारा समाज हमको नहीं कुछ पूछेगा, हमारे बच्चे हमको नहीं पूछेंगे, हमारी बीवी तक हमको नहीं पूछेगी, इसलिए हम सड़क के हवाले हो जाएंगे। इसलिए ये बुढ़ापे का सहारा है, इसलिए कहते हैं कि ये जीवन का सहारा है। अगर हम बुढ़े हो जाएंगे तो पेंशन रहेगी तो चार सहयोगी हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, पेंशन नहीं रहेगी तो कोई अपना सगा भी होगा ना वो भी साथ छोड़ के खड़ा हो जाएगा, इसलिए सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी। धन्यवाद। तो यहाँ तमाम पदाधिकारी थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं ओपीएस उनके बुढ़ापे की लाठी है और सरकार के कोष में इतना पैसा है कि वो दे सके। और पूर्व में उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पूर्व में जब कोष में पैसा नहीं था उस वक्त पेंशन दिया जाता था। साथ ही उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हम 60 सालों तक अपनी सेवा देते हैं, उसके ठीक बाद हमें बाहर कर दिया जाता है और उस वक्त हमें जो पेंशन मिलता था उसे फिर से बहाल किया जाए। इसको लेकर हम यहाँ तमाम जो अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हैं उनसे भी बात करेंगे और उनके मुताबिक क्या कहना है ओपीएस को लेकर हम जानेंगे। तो आपने तमाम पदाधिकारियों को सुना जिनका साफ तौर पे कहना था कि सरकार अपना ध्यान आकर्षित करते हुए ओपीएस को फिर से लागू करे। साथ ही राहत कोष पे उन्होंने कहा कि राहत कोष पे कोई असर नहीं पड़ता है, एक एमपी एमएलए कई पेंशन स्कीम का जब योजना ले सकते हैं तो हम आम राज्य और केंद्र कर्मचारी नहीं। राजधानी लखनऊ का मौसम का मिजाज बदल चुका है मगर इन तमाम कर्मचारियों के हौसले कहीं ना कहीं बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। हम यहां तमाम पदाधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है और कहां से आए? सुधाकर मिश्रा हमारा नाम है। ये बताएं कि ओपीएस बहाल करो के नारे के तहत आप यहां बैठे हैं जिलाधिकारी कार्यालय के ठीक सामने। अगर बात की जाए तो सरकार कह रही है कि इससे कोष पे असर आएगा। नहीं, कोष पर तो इससे पहले भी ओपीएस लागू रही और अलग स्टेट दूसरे स्टेट लागू कर रहे हैं, तो आखिर वो कैसे लागू कर रहे हैं? वो तो लागू कर रहे हैं लगातार। तो इसी तरीके से हमारे कामरेड शिवपाल मिश्रा जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के, उनके निर्देशानुसार हम लोग भी जो है वो इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि जो है ओपीएस जो है वो लाना बहुत ही आवश्यक है आज के टाइम में, और उन्हीं के तहत इसी के तहत हम लोग भी आज जो है धरने और प्रदर्शन में शामिल होने आए। 2022 विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पेंशन बहाली को लेकर तमाम वादे हुए, तमाम राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में रखे, संकल्प पत्र में रखे और घोषणा पत्र में रखे, उसके बाद अब लोकसभा का चुनाव है, क्या आशा अपेक्षा? 2024 जो लोकसभा का चुनाव होना है वो एनपीएस और ओपीएस पर ही लड़ा जाएगा। जो हमारा केंद्रीय कर्मचारी है हमारे कामरेड शिवपाल मिश्रा जी का स्पष्ट कहना है कि जो भी राजनीतिक पार्टी हमारे इस एनपीएस को लाने का काम करने का वादा करेगी हम लोग जितने भी कर्मचारी हैं उन्हीं के साथ जाएंगे। आप क्या कहेंगे? बस हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया, बस वही ठीक है। आज यहाँ ओपीएस को लेके आए हैं, आपके पदाधिकारी कह रहे हैं ये बुढ़ापे की सहारे की लाठी है, क्या कहते हैं? ओपीएस हमारी सामाजिक सुरक्षा का आधार है और बिना उसके बुढ़ापा तो नरक हो जाएगा। कहाँ कार्यरत हैं आप? कहाँ से? चारबाग में, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन। आप सेंट्रल केंद्रीय? केंद्रीय। आप कहाँ से आए हैं? लोको वर्षा चारबाग लखनऊ, और मैं मंडली पदाधिकारी हूँ। अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि ओपीएस एक बहुत बड़ी जो धरोहर थी हमारे रेल कर्मचारी या स्टेट कर्मचारी या राज्य कर्मचारी, कोई भी किसी भी प्रकार का कर्मचारी था, तो अगर कोई लड़का मेहनत करता था किस लिए करता था? कि हम जब कार्य करेंगे तो हमको बुढ़ापे में एक पेंशन का आधार मिलेगा। आज हम देख रहे हैं जो हमारी सरकार ने एनपीएस लाई, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, उनके पीरियड में लाया गया, इनके पीरियड में लागू किया गया, तो उसके बाद जो रिटायरमेंट, ये नहीं था कि ओपीएस एनपीएस का विरोध था पहले, ये लोग कहते हैं शुरू में क्यों नहीं विरोध किया, क्योंकि शुरू में उसकी जानकारी नहीं थी। जब लोग रिटायर हुए तो किसी की पेंशन 1,500, जो 50,000 तनख्वाह पाता था उसकी 1,500, अब आप ये सोचिए 1,500 जो, और जो ओपीएस में है उसकी पेंशन 30,000, तो क्या संभव है जीवन जीना? अगर संभव नहीं है, सामाजिक स्तर पे वो नहीं जी सकता है, तो इसलिए हमारे कामरेड शिवगोपाल मिश्रा जी इसका टोटल विरोध कर रहे हैं कि हमारे कर्मचारी बुढ़ापे की लाठी
जो पेंशन थी उसको सरकार कतई न छीने। अभी तो सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं किसी तरीके से उनको ज्ञान आ जाए, अगर नहीं मानेंगे तो हमारा महामंत्री जी का खुला निर्देश है कि जो नई पेंशन, जो पुरानी पेंशन की बात करेगा और नई पेंशन को हटाने की बात करेगा, हम उसी के साथ होंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, अगर बात की जाए तो 2022 का चुनाव हुआ, पोस्टल बैलेट पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी विजय हुई और सबसे अधिक सीटों पर पोस्टल बैलेट में सपा को मिला, क्योंकि उसमें कहा गया था कि उनके घोषणा पत्र में OPS को रखे थे, 2024 में क्या दशा दिशा कर्मचारी तय करेंगे? हाँ, तो जिस तरीके से पोस्टल बैलेट में उनको वो विजयी हुए हैं, इसी तरीके से अगर BJP सरकार 2024 के चुनाव में अगर ये घोषणा नहीं करेगी NPS लाने की, तो फिर पोस्टल उसमें बैलेट में जो है जो भी पार्टी हमारे एजेंडे को मानेगी उसी को कर्मचारी वोट देगा। बात की जाए तो कांग्रेस शासित प्रदेशों में OPS को बहाल किया गया है, क्या आशा अपेक्षा है? आशा यही है कि सारे प्रदेश जो है वो OPS को लागू करेंगे। अगर ओल्ड पुरानी पेंशन स्कीम, अगर न्यू पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो क्यों नहीं सांसद विधायक अपनी से छोड़ देते? आप खुद सोचिए ना, 1200 रुपये में किसी का परिवार चलेगा, बुढ़ापे का सहारा है, 1200 रुपये के परिवार तो चल नहीं सकता किसी का। जो आदमी 70,000, 50,000, 60,000, 1,00,000 तनख्वाह पा रहा है, उसका 1200 रुपये कैसे उसका घर परिवार चलेगा, आप खुद सोचिए। अगर बात की जाए तो OPS में 50% जो आपकी सैलरी थी वो आपको मिलता था, मगर न्यू पेंशन स्कीम में 10% और 4% उसमें इजाफा, 14% मिला। वो शेयर मार्केट में लगा दिया ना सरकार ने शेयर मार्केट लगा दिया। शेयर मार्केट आज आपने कल देखा, शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया, तो क्या फायदा उससे? जी, तो आप सुन रहे थे साफ तौर से यहाँ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का, जिनका साफ तौर में कहना है कि OPS को सरकारें लागू करें और ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।